और बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ में मल्टीनेशनल कंपनी के एरिया मैनेजर को आधी रात यूपी पुलिस ने गोली मारी तो योगी सरकार को सख्ते में आना पड़ गया। आम आदमी के एनकाउंटर पर सवाल उठे तो सीएम योगी आदित्यनाथ को खुद एक्शन में आना पड़ा। योगी आदित्यनाथ ने डीजीपी से बात की है। उधर पुलिस की गोली से मारे गए विवेक तिवारी के परिजनों ने अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया है। परिजनों का कहना है कि जब तक खुद योगी आदित्यनाथ नहीं आते वो अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। आपको बता दें, बीती रात 2:30 बजे की यह घटना है जब एक मल्टीनेशनल कंपनी के सेल्स मैनेजर को गोली मार दी गई। एक कांस्टेबल ने गोली मारी। कांस्टेबल का यह कहना है कि उसने आत्मरक्षा में गोली मारी क्योंकि गाड़ी उन पर चढ़ाने की कोशिश की जा रही थी। कांस्टेबल का साथ में यह भी कहना है कि उन्हें कुछ संदेह था इसीलिए गाड़ी को रोकने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की विवेक तिवारी ने जिसके बाद उसने गोली मारी। लेकिन बड़ा सवाल कि आखिर सीधे गोली मारने की जरूरत क्या पड़ गई, क्योंकि एक सेल्स मैनेजर, एक आम आदमी जिसके ऊपर किसी भी क्राइम का किसी तरह का कोई रिकॉर्ड ना रहा हो, उसे आखिर कोई गोली क्यों मारेगा। रोकने के कई तरीके हो सकते हैं, किसी और तरीके से रोका जा सकता है, लेकिन सीधे गोली मारना, ये बड़ा सवाल। विवेक के सहकर्मी क्या कह रही हैं, ये सुनते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं रोका जा रहा। दबाव है क्या, कोई खौफ है क्या, ये पुलिस कर्मी को हटा दिया जाए? नहीं, कोई दबाव नहीं है। ऐसा लग रहा है आपके साथी की मौत हो गई है, तो अगर आप बात नहीं बताएंगे तो चीजें कैसे साफ होंगी? बिल्कुल सही कह रहे हैं, थोड़ा सा मेरे को टाइम दे दीजिए कि अभी हम नहीं है उस परिस्थिति में, हम चीजें आपसे बता पाए। हम भी चाहते हैं कि जो भी इंसाफ है वो मिलेगा। कैसे आप साथी को इंसाफ दिलाएंगे, जब आप खुल के सामने आएंगी तभी तो इंसाफ मिलेगा। ठीक है, हम आते हैं। क्या आपको रोका जा रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं रोका जा रहा है। रोका किसी चीज के लिए नहीं जा रहा। दबाव है क्या, कोई खौफ है क्या, ये पुलिस कर्मी को हटा दिया जाए? नहीं, कोई दबाव नहीं है। ऐसा लग रहा है आपके साथी की मौत हो गई है, तो अगर आप बात नहीं बताएंगे तो चीजें कैसे साफ होंगी? बिल्कुल सही कह रहे हैं, थोड़ा सा मेरे को टाइम दे दीजिए कि अभी हम नहीं है उस परिस्थिति में, या हम चीजें आपसे बता पाए। हम भी चाहते हैं कि जो भी इंसाफ है वो मिले। वहाँ हुआ क्या, कैसे इंसाफ मिलेगा? कैसे आप साथी को इंसाफ दिलाएंगे, जब आप खुल के सामने आएंगी तभी तो इंसाफ मिलेगा। ठीक है, हम आपको रोका जा रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं रोका जा रहा है। दबाव है क्या, कोई खौफ है क्या, ये पुलिस कर्मी को हटा दिया जाए? नहीं, कोई दबाव नहीं है। ऐसा लग रहा है आपके साथी की मौत हो गई है, तो अगर आप बात नहीं बताएंगे तो चीजें। कल्पना हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। मैम, आप ये बताइए कि आपको इस घटना की जानकारी कब हुई, और क्या आपको लगता है इस पूरे मामले में पुलिस का रोल संदिग्ध है और पुलिस ने गोली भी चलाई? पुलिस का रोल पूरा संदिग्ध है। पुलिस ने गाड़ी में सामने से गोली चलाई है, अभी गाड़ी वहाँ पे खड़ी है शहीद पथ पे CMS स्कूल के सब पास में, आप जाके देखिए, सामने से गाड़ी में गोली मारी गई है। और किसी ने मुझे कॉल करके कोई किसी तरीके के वारदात की कोई जानकारी नहीं दी। मैं लगातार कॉल कर रही थी तो लोहिया के कर्मचारी ने मुझे 3 या 3:15 ऐसे कुछ टाइम हो रहा था उस समय उठाया, उस आदमी ने बताया कि हल्की सी खरोंच आ गई है सर में विवेक जी को और उनकी पट्टी हो रही है, उनका एक्सीडेंट हुआ है, तब भी गोली की कोई बात सामने नहीं आई। और मैं जब ऑफिस गई वहाँ पे गोमती नगर में, तब भी मुझे बताया गया कि आपके हस्बैंड संदिग्ध हालत में देखे गए, हमारे पुलिस वाले ने उनको रोकने की कोशिश करी, उन्होंने पुलिस की बाइक पे गाड़ी चढ़ाई, पुलिस वाले ने उनका पीछा किया तो वो टकरा गए जा करके। मैम, पुलिस का इस पूरे मामले में ये भी कहना है कि उन्होंने कई बार भागने की कोशिश की, कई बार उनकी गाड़ी टकराई, बराबर पुलिस रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये सब गलत है। ये सब मैं नहीं मानती। अगर ये सब कुछ हुआ था, तुरंत एक्सीडेंट हुआ था, मैं मान लेती हूँ। पुलिस ने उनके मोबाइल पे, मैं बराबर लगातार कॉल करती चली जा रही थी, पुलिस ने मोबाइल उठा करके एक बार रिसीव करके कॉल मुझे क्यों नहीं बताया कि आपके हस्बैंड ऐसे ऐसे कर रहे थे और इनको क्या कहते हैं, यहाँ पर इनका एक्सीडेंट हो गया है, और गाड़ी पे फिर सामने से गोली कैसे लगी, गोली चलाई किस बिना पे, वो कोई आतंकवादी थे या क्या करके भाग रहे थे, गोली चलाई क्यों, मुझे ये चाहिए। और उसके बाद मुझे कुछ कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, और बाद में जब मैं खुद पता करके पहुंच रही हूं तो मुझे उल्टा पुल्टा बताया जा रहा है। मुझे लोहिया का कर्मचारी क्यों ये खबर दे रहा है कि मैडम, और वो भी वो कह रहा है मैडम एक्सीडेंट हुआ है, हल्की सी खरोंच आई है, मैडम जो थी उनको, सर जो है उनको, उनकी पट्टी हो रही है। मैम, जिस लड़की के साथ थे क्या आप उनको जानती हैं? और हाँ, वो एप्पल में काम करती थी लड़की, वो केवल कल एप्पल की लॉन्चिंग थी, वो केवल उसको घर ड्रॉप करने जा रहे थे और कोई बात नहीं थी। मैम,
अब क्या आप लोग क्या करेंगे, आप लोग किस तरह से? मैं बॉडी का कुछ भी नहीं करूंगी जब तक मुख्यमंत्री जी आ करके और इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच नहीं कराएंगे और मुख्यमंत्री जी मुझे ये बताएं कि अब मेरे बच्चे क्या करेंगे और मैं क्या करूं। मेरा निर्दोष पति बिना किसी बात के मार दिया गया, गोली मार दी गई। कैसे गोली मार दी गई? ऐसे माहौल में कैसे सब जिंदा रहेंगे? यहाँ कोई कुछ करके चला जाता है, उसको तो पुलिस कुछ कर नहीं पाती है, तब पुलिस अपनी नाकामी दिखा देती है। पुलिस कह रही है पोस्टमार्टम कराया जा रहा है ये जानने के लिए कि वो एक्सीडेंट में मरे हैं, गाड़ी टकराने से मरे हैं, गोली से मरे हैं। ये सब बेहुदा सवाल है। पुलिस कुछ बता रही है, बाद में पता चलता है गोली लगी है गाड़ी में, सामने से गोली लगी। आप जाके गाड़ी देख करके आइए ना, ये पूरा केस इतना घुमाया फिराया क्यों जा रहा है, किस बिना पे? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे सिर्फ इस बात का जवाब चाहिए कि गोली कैसे चलाई? क्या पुलिस वालों को पिस्टल इसीलिए मिलती है? ये आम आदमी की सुरक्षा कर रही है पुलिस? और रही बात विवेक के कैरेक्टर की, तो आप दिल्ली चले जाइए, आप बेंगलोर हेड ऑफिस चले जाइए, आप यहाँ उनके जूनियर से पूछ लीजिए, इस पूरी बिल्डिंग में पता कर लीजिए कि कैसा कैरेक्टर था उस आदमी का जिसके बारे में पुलिस इस तरीके की बात कर रही है। शर्म आनी चाहिए पुलिस वालों को। तो विवेक तिवारी की पत्नी लगातार कल्पना तिवारी ये कहते हुए कि सबसे बड़ा सवाल कि जो भी था पुलिस ने गोली क्यों चलाई, यही सवाल लोग भी जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया था कि पुलिस को गोली चलाने की नौबत आ गई। ऐसा लग रहा है आपके साथी की मौत हो गई है, तो अगर आप बात नहीं बताएंगे तो चीजें कैसे साफ होंगी? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, थोड़ा सा मेरे को टाइम दे दीजिए कि अभी हम नहीं है उस परिस्थिति में या हम चीजें आपसे बता पाए, हम भी चाहते हैं। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।